यहाँ हम लोगों ने तय किया है कि आने वाला 2 जुलाई से सभी प्रमंडल वाइज बैठक होंगे, लगभग सितंबर तक हमारे बैठक चलेंगे। इसके बाद जिला स्तरीय बैठक होगी जो लगभग फरवरी तक चलेगी। हम कहाँ जाएं या ना जाएं ये तय करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि केंद्र क्या है। केंद्र सरकार ने जितने जुमला फेंके हैं सारी जनता जानती है। जन अधिकार युवा परिषद की आज बैठक हुई है और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां हर पार्टी कर रही है और जाप भी कर रही है। बात करेंगे हमारे साथ राजू दानवीर जो कि जाप युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने बैठक बुलाई, क्या कुछ रणनीति बनाई इस बैठक में? इसमें रणनीति क्या बनाना है, ये एक दिवसीय बैठक है, राज्य कार्यकारिणी एवं जिला अध्यक्षों की बैठक है। यहाँ हम लोगों ने तय किया है कि आने वाला 2 जुलाई से सभी प्रमंडल वाइज बैठक होंगे, लगभग सितंबर तक हमारे बैठक चलेंगे। इसके बाद जिला स्तरीय बैठक होगी जो लगभग फरवरी तक चलेगी और मार्च अप्रैल के लगभग में हमारा बहुत बड़ा युवा सम्मेलन होगा जो ऐतिहासिक होगा और वो पटना में होगा। क्या आप लोग भाजपा में भी जाने की तैयारी करिएगा? देखिए ये क्वेश्चन आप लोग कैसे कर लेते हैं, सबसे बड़ी बात है कि नेता राजनीति में कुछ भी संभव है ना। आपको हम बता दें कि हम कहाँ जाएं या ना जाएं ये तय करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि केंद्र क्या है। केंद्र सरकार ने जितने जुमला फेंके हैं सारी जनता जानती है, युवा विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, अभी पहलवान बेटियों कितने दिनों से धरना पर थी, आप छात्र विरोधी, तो हर जगह विरोध का जब बिगुल फुका रहा है और वैसे जगहों पर आप कह रहे हैं जाने की बात, नेताजी का विचारधारा अलग है और नेताजी ऐसे हैं कि समय पड़ता है तो सेवा भी करते हैं और समय पड़ता है तो सेवा भी करते हैं और समय पड़ता है तो राजनीति भी करते हैं। सवाल तो नीतीश कुमार भी तो भाजपा के साथ 17 साल तक थे, तो उनका भी आप लोग विरोध कर रहे हैं? अभी सिर्फ हम लोग संगठन को लेकर चल रहे हैं और ये लगभग 9 महीने का ये कार्यक्रम हम लोग का लगभग तय हुआ युवा विंग का, और ये हम लोग नीचे बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करेंगे। और आप देखिएगा, और किसी पार्टी में जाना आना ये तो हमारे कहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं आप तय कीजिएगा। तय आपको करना है, इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। जब कोई आगे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो हम जरूर बताएंगे। ऐसे जो भी है, जो भी ये सब कार्य देखते हैं हमारे आला कमान देखते हैं, हम थोड़े देखते हैं, हम तो सिर्फ संगठन की बात। आपने क्या किया? सबसे बड़ी बात है कि जहां कोसी में दहाड़ हो, मगध में सुखाड़ हो, या मुजफ्फरपुर में चिमकी बुखार हो, या पटना में जल जमाव हो, या बिहार में वैश्विक महामारी कोरोना हो, तो इन सभी परिस्थितियों में हमारे युवा विंग सड़क पर 2-2, 3-3 महीना संघर्ष किए हैं सड़क पर, और 2-2, 3-3 महीना संघर्ष किए हैं। उसके बाद ये इधर लगातार हम लोग बैठक में ही किए कि आप एक एक जनता से जुड़िए, उनके मुद्दों लोग को जोड़ने का लक्ष्य आप लोगों ने रखा है, कितने लोग जोड़े? क्या जिस युवा से पूछे कि पप्पू यादव से प्रभावित हैं कि नहीं है, हर एक युवा बोलता है कि हाँ हम प्रभावित हैं। तो जब वो प्रभावित है तो पप्पू यादव जी से जरूर जुड़ेगा, निश्चित है, इसमें जोड़ना क्या। आप किसी भी युवा से पूछ लीजिए या किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि पप्पू यादव जी से प्रभावित है कि नहीं है। मेरा लक्ष्य है ये 9 महीना का जो सेशन है प्रमंडल वाइज और जिला वाइज, और उसके बाद फिर यहाँ युवा सम्मेलन पटना में लगभग मार्च अप्रैल के समय में, तो ये जो है ये आपको बताएगा कि कितना युवा को हमने जोड़ा है। चलिए बिल्कुल, तो युवा के प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे साथ, तमाम बातों को उन्होंने विस्तार से रखा है और सीधे तौर पर जिस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव है तो तैयारियां उसी पर है, तमाम पार्टियां कर रही है और इनका भी वही था। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ होगा। फाउंडेशन के साथ सहयोगी अभिजीत के साथ मैं रंजन सिंह।